हेलो किचन 123 में आज बन रहा है मटन कुन्ना मटन कुन्ना बनाने के लिए ये मेरे पास मटन यानी बकरे का गोश्त मौजूद है और कुन्ना बनाने के लिए हमें बड़े साइज की बोटियां बनवानी होती हैं जैसे कि ये इस तरह से बड़े बड़े पीसेस क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा कलाना होता है और अगर हम छोटी बोटी लेंगे तो वो बिल्कुल घुल के सालन के अंदर ही कहीं पे गायब हो जाएगी तो बड़े साइज़ की बोटियां ली हमने आधा किलो एक बड़ा प्याज़ लिया या एक कप के बराबर समझ लें उतना मैंने प्याज लिया एक भर के खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये बेसिक से मसाले हैं डेढ़ चाय का चम्मच नमक है आधा चाय का चम्मच हल्दी है दो चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चाय का चम्मच है धनिया पाउडर और मैं इस देसी रेसिपी को घी में बना रही हूँ आपकी मर्जी है चाहे तो घी में बनाए बनस्पती घी में देसी घी में तेल में जैसे आपकी मर्जी हो वैसे बनाएं लेकिन अगर आप घी में बनाएंगे तो इसका ज़ायका ज़्यादा रिवायती किस्म का बनेगा और मटन कुन्ना बनता है मिट्टी की हांडी में और मैं भी मिट्टी की हांडी में ही बना के आपको दिखाऊंगी मिट्टी की हांडी हमारे यहाँ रोज़मर्रा जिंदगी में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती इसलिए जब आप पहली मरतबा ख़रीद कर लाएँ तो चंद बातों का ख्याल रखें ताकि आपकी मिट्टी की हांडी क्रैक ना हो और आप आराम से इस्तेमाल करते रहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक दफ़ा इसको धो लें खुश कर लें कपड़े की मदद से और उसके बाद इस पर सरसों का तेल किसी कपड़े के ऊपर लगा के हांडी के बाहर के हिस्से में भी इसके ढक्कन में भी और हांडी के अंदर भी अच्छी तरह से आपने सरसों का तेल लगाना है इससे ये होगा कि जो इसके मसाम है हांडी के वो बंद हो जाएंगे और वो टूटेगी नहीं और इसके बाद आपने ये करना है कि इसको पूरी रात के लिए सरसों का तेल लगाने के बाद हांडी को ऐसे ही रख देना है वो तेल इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा काफ़ी सारी मकदार में सरसों के तेल को ये आराम से जज्ब कर लेगी आधा कप से एक कप तक आराम से एडजस्ट कर लेती है फिर आप ये करेंगे कि इसके अंदर आप पानी भर के रखेंगे ऊपर तक इसको फिल कर लें पानी से और मिट्टी की हांडी जो है वो खूब पानी पीती है पानी को मिट्टी की हांडी जस्ब्ब कर लेगी और फिर वो पकाने के लिए तैयार हो जाएगी जब आप पकाने लगे तो आपने इस तरह नहीं करना कि आम देगची की तरह इसको चूल्हे पे रख दिया और उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डाला हुआ इससे भी हांडी जो है वो टूट जाती है सड़क जाती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके अंदर पानी या घी कोई ना कोई चीज़ आपने इसके अंदर जरूर ऐड करनी है और फिर उसके बाद आपने चूल्हा जलाना है हांडी के अंदर ये आधा कप घी डाल दिया ये प्याज जिसके स्लाइसिस किए हुए हैं ये रहा पुटका गोश्त जिसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ की हुई हैं ये रहे मसाले नमक लाल मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर और ये अदरक लहसन का पेस्ट और इसके अंदर मैं तीन कप पानी के डाल रही हूँ फिर मिक्स करती हूँ इसको आंच को मैंने तेज़ किया हुआ है और जब इसके अंदर उबाल आएगा उसके बाद मैं इसका ढकना बंद कर दूंगी और आंच को मीडियम से कम कर दूंगी, और उस पर इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे अभी मैं उबाल आने का इंतज़ार कर रही हूँ मिट्टी के बर्तन में जब हम पकाते हैं तो काफ़ी देर में ये बर्तन गर्म होता है और इसके अंदर मौजूद चीज़ में उबाल भी देर में आता है और ऐसा ही हो रहा है कि काफ़ी देर लगी है तकरीबन दस मिनट का टाइम लगा है और अब इसके अंदर उबाल आया है फिर से ज़रा सा मिक्स कर लेती हूँ और ढक्कन देकर इसको दरमिया से भी ज़रा कम आंच करके गलने के लिए हमने छोड़ना है अच्छी तरह ऊपर ढक्कन देने दे, आँच को मैंने कम कर दिया अब हमने बकरे के गोश्त को गलाना है अच्छी तरह गलाना है और कितनी देर में गला और कितना इसमें मुझे पानी मज़ीद ऐड करना पड़ा वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और मज़ीद भी इसमें जो मसाले ऐड होंगे वो अगली स्टेज पर होंगे और वो मैं आपके सामने ही शामिल करूंगी और मकदारें भी बताऊंगी तो इसके पकने का इंतज़ार करते हैं दरमियान में हम इसको पंद्रह बीस मिनट के बाद चेक कर लेंगे बाजूकात पानी जल्दी खुश्क हो जाता है तो उसमें आराम से हम एक कप पानी और भी ऐड कर सकते हैं लेकिन तीन कप पानी इतनी जल्दी खुश्क नहीं होगा आराम से इसको पकने का मौका मिल जाएगा और मिट्टी के बर्तन में जो बनेगा तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा बकरे के गोश्त को मैंने एक घंटा इस मिट्टी के हंडिया में पकाया है और अब ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है आसानी से टूट रहा है खाकर देखती हूँ बहुत अभी भी पोज़े का जायका बना है हालांकि अभी इसमें सिर्फ हमने चंद मसाले डाले हैं लेकिन मिट्टी के बर्तन का इफ़ेक्ट है और ताज़ा गोश्त है तो इसकी वजह से आंच मैं थोड़ी सी कम कर दूँ ताकि आपको बाकी की चीज़ें बता सकूँ कि अगर आपने सादा बकरे के गोश्त का सालन बनाना होता तो ये मुकम्मल तौर पे गल चुका है लेकिन जो मटन कुन्ना है वो आम गोश्त से कहीं ज़्यादा गलावा होता है तो हम ये करेंगे कि ये कुछ मसाले जिनको बारीक पीस के हमने पाउडर बनाना है ये और इसमें मज़ीद पानी शामिल करके अभी इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि गोश्त बहुत ज़्यादा नरम हो जाए देखिए पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है थोड़ा सा ही पानी रह गया होगा ब मुश्किल कोई आधा कप रह गया होगा और बाकी का इसके अंदर घी ही है अब इसके अंदर मज़ीद जो मसाले ऐड होंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ के कौन कौन से हैं अब ये दो कप पानी मेरे पास मौजूद है जो कि मैं हंडिया में डालूंगी लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर ये वाले मसाले ऐड करने हैं अब मटन कुन्ना एक स्पेशल डिश है तो इसकी आप पाउडर डालने के बजाय ये वाले मसाले ताज़ा पीस कर चाहे आप ग्राइंडर में पीस लें या दोहरी डंडे में या सिल बट्टे पर जिस भी तरह से आप पीसना चाहते हैं इसको आपने खूब अच्छी तरह से बारीक सा पीसना है और जो ताज़ा पीसे हुए मसाले होते हैं उनका तो क्या ही कहना है ज़बरदस्त टेस्ट बनता है आपकी डिश का तो मसाले क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको ग्राइंडर में पीस के भी आपको दिखाऊंगी डेढ़ चाय का चम्मच मेरे पास है साबुत धनिए का आधा चाय का चम्मच है ज़ीरा भुना हुआ नहीं है ये सिंपल है दोनों चीज़ें धनिया भी और जीरा भी पाँच लौंग है आधी चाय के चम्मच के बराबर है काली मिर्च एक मैंने बड़ी इलायची ली हुई है इसके सिर्फ मैं दाने निकालूंगी और उनको पीसूंगी तीन हरी इलायचियाँ इसके भी सिर्फ मैं दाने ही पीसूँगी ये है दार की ये स्टिक्स हैं सिनेमन स्टिक्स और ये दोनों जो हैं ये जायफल जावतरी कहलाते हैं ये भी मैं इतनी मकदार में ले रही हूँ कि जिससे तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर पाउडर बनने के बाद ये बन जाए क्योंकि तो इसको अगर ज़्यादा मक़दार में डालें तो कड़वाहट आ जाती है इससे ज़रा इसको कम मकदार में ही हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको मैं पीसती हूँ और फिर आपको इसका पाउडर दिखाती हूँ वाह क्या खुशबू आई और सबसे पहले ही तो इसके अंदर ये पाउडर किए हुए तमाम मसाले जो भी मैंने आपको दिखाए वो इसमें डालती हूँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन ताज़ा पिसे हुए मसालों की और दिल तो ये चाह रहा है कि नेक्स्ट प्रोसेस ना करूँ और अभी खा लूँ लेकिन अभी ये मटन कुन्ना नहीं बना ज़रा सा घी के साथ ये भुन जाए तो फिर इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड करती हूँ जब आप मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे तो इसके गर्म होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा लेकिन मिट्टी का बर्तन देर तक गर्म रहता है और इसके अलावा आपने इसमें पकाते हुए लकड़ी के चम्मच का या डोई का इस्तेमाल करना है वरना टूटने का ख़तरा है मिट्टी की हांडी टूट सकती है तो ये ज़रा सा भुन गया है तो अब इसके अंदर मैं दो कप पानी ऐड करती हूँ और चूँकि ये मटन कुन्ना है तो अब हमने गले हुए को मज़ीद गलाना है ताकि बिल्कुल नरम हो जाए और बोटी टूटने लगे पानी डाला है अभी मैंने ताज़ा पानी तो टेम्परेचर इसका कम हो गया है आंच को मैंने अभी तेज़ किया हुआ है जब थोड़ा सा उबाल आएगा तो फिर मैं आंच को मीडियम से भी कम कर दूंगी कुन्ने को मज़ीद मैंने आधा घंटा पकाया है और अब मैं इसकी बोटी आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसको कितना ज़्यादा नरम होना चाहिए कि ये देखें ये हड्डी से लैदा होके टूट के गिर रही है अभी गर्म बहुत ज़्यादा है मैं इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगा सकती ज़रा सा आप इसको चम्मच से ऐसे करें जरा सा लगाने से ही ये इस तरह से टूट के बिल्कुल नरम हो गई है यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि आपने इतनी देर इसको पकाना है यानी टोटल अभी तक हमने बटन कोने को मिट्टी की हंडिया के अंदर डेढ़ घंटा पकाया है और अब इसके अंदर हम आटा ऐड करेंगे इसको मैं वापस डाल रही हूँ पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुआ है इसमें है अभी पानी और अभी इसके अंदर मैं आटा ऐड आट करने वाली हूँ डेढ़ खाने का चम्मच है आटा जिसे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं ये वो वाला आटा है इसके अंदर मैं चौथाई कप के बराबर पानी ऐड करके इसको घोल लेती हूँ और फिर इसके ज़रिए इस शोरबे को गाढ़ा करेंगे मटन कुन्ने का शोरबा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन होता है तो ऐसा ही हम रखेंगे जैसे अब ये गुठलियाँ सी बन रही हैं इनको ख़त्म करके फिर इसको मैं ऐड करती हूँ अभी इतना पतला हो गया है कि आसानी से घुल जाएगा थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ देखिए अभी इतना गाढ़ा हुआ हुआ है इसके अंदर मैं पानी ऐड करने वाली हूँ आधा कप पानी इसके अंदर मज़ीद ऐड करती हूँ ज़रा सा मैंने चक्के देखा है बहुत ही मज़े का टेस्ट बना है मटन कुन्ने का आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और जब आप इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे तो आप याद करेंगे कि क्या ज़बरदस्त रेसिपी आपके हाथ आई है तो आप ढक्कन बंद करके इसको पंद्रह मिनट के लिए मैं मज़ीद पकने के लिए रख रही हूँ आँच मैंने हल्की रखी हुई है आटा शामिल करने के बाद पंद्रह मिनट हल्की आँच पर मज़ीद इसको मटन कुन्ने को मैंने पकाया है ढक्कन भी बहुत गर्म है और अब इसके अंदर ये कुटा हुआ सिया जीरा मैं ऐड कर रही हूँ अब इसको ढककर कर पाँच मिनट का दम दे रही हूँ पाँच मिनट बाद में इसको बंद करती हूँ और फिर प्लेटर में निकाल के आपको दिखाती हूँ तो तैयार तो है हमारा ज़बरदस्त किस्म का बटन कुन्ना बनाए और इन्जॉय करें और सब लोगों को मज़े करवा दें मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ